हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीस आर्किटेक्चर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 फिट बाई 50 फिट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने 3 रूम विद कार पार्किंग प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आएँ और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू वास्तु कम से कम फीस में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारी एंट्री है, 9 फिट की एंट्री रहेगी। एंट्री करते ही आपके लिए कार पोर्च और स्टेयरकेस दिया हुआ है। यहाँ से ये हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और स्टेयरकेस के नीचे हमारी कार पार्क हो जाएगी। फ्रंट पर हमने 4 फिट का ओपन पैसेज छोड़ा हुआ है। इस पैसेज में इस साइड हमने WC प्लान किया हुआ है, जिसमें ये टॉयलेट सीट और ये वॉश बेसिन रहेगा। WC का साइज 4 फिट बाई 3 फिट 4 इंच है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये एंट्री ड्राइंग रूम में होती है। ड्राइंग रूम का साइज 10 फिट बाई 12 फिट 6 इंच रहेगा, जिसमें ये हमारा सोफा सेट रहेगा, इस साइड ये हमारा स्टूल रहेगा और ये हमारा TV यूनिट रहेगा। और ये पैसेज की तरफ हमारा विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से प्रॉपर लाइट और नेचुरल एयर आपके लिए मिलती रहेगी। ड्राइंग रूम से आप लॉबी की तरफ जा सकते हैं यहाँ से ऐसे, और डायरेक्ट एंट्री कार पार्किंग से होती है लॉबी में। ये हमारा लॉबी रहेगा काफ़ी बड़ा सा, 9 फिट बाई 17 फिट 4 इंच इसका साइज है, जिसमें ये हमारा 6 सीटर डाइनिंग टेबल रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स, हमने कॉमन टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है, जिसका साइज 4 फिट बाई 7 फिट है, जिसमें ये टॉयलेट सीट, ये शावर और ये वॉश बेसिन रहेगा। टॉयलेट के जस्ट पीछे हमारा डक्ट रहेगा वेंटिलेशन के लिए, जिसका साइज 2 फिट बाई 7 फिट है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसका साइज 10 फिट बाई 11 फिट है, जिसमें ये बेड, ये TV यूनिट और ये साइड स्टूल रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स बाथरूम रहेगा कपड़े वगैरह और सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ मिलेगा आपके लिए किचन, ये हमारा एल शेप में किचन रहेगा, 6 फिट 6 इंच बाई 8 फिट 7 इंच का, जिसमें ये हमारा सिंक रहेगा और ये हमारा गैस स्टोव रहेगा। किचन के जस्ट पीछे हमारा OTS ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए हमने दिया हुआ है, जिसका साइज 6 फिट 6 इंच बाई 3 फिट है, जिसमें किचन का विंडो दिया हुआ है, तो प्रॉपर किचन का वेंटिलेशन यहाँ से होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं और आपका सब्सक्राइब लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा और आगे वाली वीडियो बनाने के लिए। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट वाला बेडरूम है, जिसका साइज 12 फिट 4 इंच बाई 13 फिट 6 इंच है, जिसमें ये बेड, ये बाथरूम और ये TV यूनिट है। और यहाँ फ्रेंड्स हमने विंडो दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था 20 फिट बाई 50 फिट का बहुत ही खूबसूरत नक्शा। आपके लिए नक्शा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।